आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जोशीमठ में ही वो मौजूद है, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट भी लगातार हम देख रहे हैं। आशुतोष, आज स्थिति क्या है, किस तरीके के हालात बने हुए हैं, आगे कैसी तैयारी प्रशासन की, और स्थानीय लोग तो अपनी मांगों पर डटे हुए, कह रहे जब तक लिख के नहीं देंगे हम मानने को तैयार नहीं है। पहली चीज, मौसम खराब हो गया है, काफी ठंड बढ़ गई है और जो लोग इस समय यहाँ प्रदर्शन कर, आप समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, पहाड़ी इलाकों की तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ऊपर घने बादल हैं, 11 से 13 तारीख तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और जो हाई रिजेस है माउंटेन्स पर वहां स्नोफॉल हो रहा है और ये हो सकता है वह स्थिति ऐसी हो कि शाम तक या 4 बजे के बाद आपको वो बर्फबारी उन इलाकों से शुरुआत से मिले, जो सुनील गांव है जहां हम जाएंगे थोड़ी देर में, जहां से ये पूरा पहाड़ अपनी जगह से दरकने लगा है, यानी 50 मीटर का लंबा हिस्सा काफी ऊंचाई से पूरा दरक रहा है। तीसरी बड़ी बात, आपने जिसका जिक्र किया कि जो दरारें हैं वो बढ़ रही हैं, जो धसाव और गहरा हो रहा है, ये देखिए कल हमने इस जगह देखी थी, ये जो आप सूखी मिट्टी देख रहे हैं इससे पता चलता है कि ये कुछ समय तो हो चुका है इसको खिसके, लेकिन यहां पर आप ये ताजी मिट्टी देख पाएंगे, यहां पर इसमें जो नमी है बता रही है ये जरा, क्योंकि ये हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो गैप है ये और बड़ा है, कल और परसों के मुकाबले में आप देख रहे हैं तो ये गैप है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जो इमारत परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर जमीन पर खड़ी है वो धीरे धीरे और पीछे हो रही है, वो 100-110 डिग्री की ओर बढ़ रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि इमारत पीछे की ओर धस रही है, जा रही है। लेकिन बावजूद इसके ये तमाम सारे लोग, ये जो महिलाएं हैं, होटल के मालिक हैं, उनके परिवार के लोग हैं और वो लोग जिनके घरों पर लाल निशान लगाया गया है कि यहां से खाली कर दें, वो यहां बैठ गए। आपने उनकी बातें सुनी कि उनकी मांग क्या है, उनकी मांग ये है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर या तो पहले विस्थापन के लिए जो है आश्वासन हो वो सुनिश्चित किया जाए और कंपेंसेशन मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इन लोगों ने पीढ़ियों से अपना समय यहां बिताया, इनमें बहुत सारी महिलाएं जो आप देख रहे हैं उम्रदराज हैं, इनका बचपन यहां बीता है, इन्होंने अपनी जवानी यहां देखी है, बच्चों के साथ यहां रहे हैं, पले हैं, बढ़े हैं, खेला है, सब कुछ, और अब जीवन के इस मोड़ पर उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा, वो भी तब जब ये पता नहीं है कि आगे कहां जाएंगे, क्या आगे कोई घर मिलेगा, बच्चे कहां पढ़ेंगे, कहां रहेंगे, कैसे जिएंगे, इन तमाम संभावनाओं के आगे जब अंधेरा छाया हुआ है तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा, जब तक सरकार जो है कम से कम कुछ सुनिश्चित बात नहीं कह देती या ठोस आश्वासन नहीं देती कि आखिर इनका आगे क्या होगा। आपको ये भी बता दूं कि जिस समय हम बात कर रहे हैं इस समय यहाँ एक बैठक चल रही है प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ, होटल मालिक जो हैं दोनों जिनको गिराया जाना है, ये दोनों होटल हैं और साथ ही स्थानीय लोग हैं, उनके साथ एक बैठक चल रही है और उसमें पुनर्वास कार्यक्रम और पुनर्वास कार्यक्रम के साथ साथ विस्थापन की नीति के साथ साथ मुआवजे पर बातचीत चल रही है। हम बस इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि ये बैठक सकारात्मक हो, जैसे ही ये मीटिंग हो जाए किसी ठोस नतीजे पर वो पहुंच चुके हैं और उसके साथ ये देखिए जो पूरे पीछे का इलाका है, बहुत सारे लोग अब छोड़कर जा चुके हैं, पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ सामान था वो भी लेकर के जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी एक बड़ा तबका है, बहुत सारे लोग हैं जो जाने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा ठिकाना है नहीं और इसीलिए वो इस उम्मीद में है कि एक आश्वासन हमें मिल जाए, जैसे ही पता चलता कि आगे क्या होगा, मुआवजा मिलेगा, पेपर, और कई लोग ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी ये जमीनें हैं, देखिए पहाड़ के बारे में ये भी है कि हम दिल्ली मुंबई की तरह नहीं रहते, यहाँ जहाँ आप घर खरीदते हैं तो रजिस्ट्री होती है, यहाँ पुश्तैनी जमीन है, उस पर घर टूटता है बना लेते तो उस घर की रजिस्ट्री नहीं होती, उस घर को उन्हें नक्शा भी पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ कई सारी ऐसी कानूनी अड़चने भी हैं जिसके चलते उनके पास ऐसे कागज नहीं और वो ये डर में है कि कल को जब हम मुआवजे के लिए आएंगे प्रशासन पूछेगा कागज दिखाइए, आपके पास क्या कागजात है, रजिस्ट्री कहाँ है, ये सारा मन में ऐसे अप्रिहेंशन है कि जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता मन में ये डर बना रहेगा और इसीलिए जोशीमठ के जिन इलाकों, कुछ इलाकों में आप देखेंगे सन्नाटा है तो कुछ इलाकों में अभी भी लोग बस इस डर में हैं कि हमें ये तो पता चल जाए कि हमारा भविष्य क्या होगा, हम आगे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, और जैसे ही आश्वासन मिलेगा हमें उम्मीद कर सकते हैं कि लोग सुरक्षित पहुंच जाएं। जिनको गिराया जाना था, क्या अभी तक वो कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये कहा गया कि बीच में बारिश हो गई जिसकी वजह से हालात अभी रोक दिए गए हैं, एक्शन को रोक दिया गया है, उसके बाद ये कहा गया कि वहां पर अभी ये जो लोग हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए एक्शन रोका गया है, एक्शन रुका हुआ है या चल रहा है, अगर रुका है तो उसके पीछे की वजह क्या है? एक्सरसाइज हो गई थी, मसलन तार हटा लिए गए, सब कुछ चीजें, देखिए ये वही होटल है, ठीक आप समझिए मैं एकदम उसी होटल के सामने खड़ा हूँ, ये पहला होटल है जिस पर मैं खड़ा हूँ और उसी के साथ साथ मेरे ठीक बगल में वो दूसरा होटल है जिसको गिराया जाना है। कल रात को ये शुरू हुआ, एसडीआरएफ के कर्मचारी आ गए, मजदूरों को बुलाया गया कि यहां से इन दोनों इमारतों को पीछे की तरफ गिराया जाए, जैसे ये शुरू होता होटल के मालिक और उनका परिवार, ये देखिए ठीक उसी तिरपाल के नीचे बैठ गए हैं ये तमाम सारे लोग और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आ गए और वहां पर प्रदर्शन करने लगे, उन्होंने रोक दिया डिमोलिशन
की पूरी प्रक्रिया को ये कहते हुए कि पहले मुआवजा और विस्थापन जब तक ये नहीं होता हम अपनी रोजी रोटी का जरिया कैसे तोड़ने दें। होटल का मालिक भी कह रहा आप इसे तोड़ दीजिए अगर लोगों को खतरा है, लेकिन पहले ये तो बताइए हमारा होगा क्या। इसलिए कल ये डिमोलिशन नहीं हो पाया और आज भी अगर बातचीत सफल नहीं होती है, वो प्रशासन या सरकार के दावों पर नहीं मानते, उनके आश्वासन को नहीं मानते हैं, या अगर उन्हें समुचित मुआवजा विस्थापन नहीं मिलता है, ये भी बहुत मुश्किल है कि आज भी ये डिमोलिशन हो पाए। और अगर सफल होता है तब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शाम के बाद इस कार्यवाही को किया जाए, क्योंकि कल भी सड़कें वड़के बंद की गई थी, सारी तैयारियां थी, लेकिन जो कार्यवाही होनी थी वो पूरी हो नहीं पाई है। इसीलिए इंतजार किया जा रहा है एक घंटे बाद उस बैठक के नतीजे का, उसमें क्या होता और तब ये तस्वीर साफ होगी कि जो सबसे खतरनाक दो इमारतें हैं, आप देखेंगे क्यों खतरनाक कह रहा हूं। देखिए अच्छा हम यहां पर पहुंचे, अभी इसकी यहां से देखिए, इस कैमरे की नजर से आप देखेंगे तब पता चलेगा कि कैसे टिल्ट होकर 90 डिग्री परपेंडिकुलर पर बना हुआ एक पूरी इमारत वो धीरे धीरे बेंड होकर 110-120 डिग्री तक जा रही है। और अगर इसे नहीं हटाया गया तो नीचे जब ये मलबा अगर अपने आप गिरा तो आप समझिए कि तब ग्रेविटी अपना काम करेगी और ये लाखों टन मलबा जब नीचे जाएगा तो किस तरह की तबाही मचाएगा। अर्पिता बिल्कुल, और ये आशुतोष हम तस्वीरें देख रहे हैं और इस खतरे को भी भाप और समझ पा रहे हैं कि किस तरीके का खतरा वहां पर है। लेकिन बारिश भी लगातार हो रही थी, अभी तो आप जहां हैं वहां तो बारिश जैसे हालात नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप संभावना मौसम विभाग की यही है कि बारिश हो सकती है। अगर सहमति बन भी जाती है जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बीच और प्रशासन के बीच, फिर भी बारिश एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। किस तरीके से तब एक्शन लिया जाएगा, उसकी क्या तैयारी की गई उस लिहाज से मौसम को देखते हुए, उसकी तैयारियां देखिए ना के बराबर है। प्रशासन ने सिर्फ लोगों को जो विस्थापित किया सुरक्षित जगहों पर रखा है वो तो वहां बच जाएंगे, और बारिश की स्थिति वो डर क्यों दिखाई दे रहा है आपको, सीधे में जरा इन पहाड़ों के ऊपरी रिजर्व पर दिखाने की कोशिश करता हूं। कल रात से लगभग 2-3 बजे के बाद से जो बारिश है वो काफी बर्फबारी शुरू हो गई है। अब ऊपर जब बर्फबारी होगी तो जाहिर है नीचे जो है बारिश के आसार होंगे, हम 6,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और ऊपर से घने काले बादल ये साफ इशारा तो कर रहे हैं कि बारिश की पूरी संभावना है। अब ये जो हिस्सा है देखिए ऊपर अभी भी वहां बर्फबारी चल रही है, अगर आप उस तरफ देखें नंदा देवी का ग्लेशियर जहां से हम देख पाते हैं उन पूर्वी इलाकों में अभी भी बर्फबारी हो रही है और जिसके चलते यहां तापमान गिरा है। अब ये पहाड़ का हिस्सा है जहां से पूरे एक लाइन से जो पहाड़ जो है दरक रहा है, धंस रहा है, ये वो पूरा स्ट्रक्चर है। ऊंचाई से जैसे अगर बर्फबारी होगी तो पानी जो है पहाड़ों में नमी जाएगी, पानी गिरेगा, जब नमी होगी तो जो मिट्टी है उसका खिसकाव और तेजी से होगा, और जब मिट्टी खिसकेगी तो ये जितने घर एक लाइन से आप देख रहे हैं ढलाव पे जितने घर बने हुए हैं ये उसी रफ्तार से और तेजी से दरकेंगे। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इसके पहले कोई अनहोनी हो लोगों को समझा बुझा करके यहां से निकाल लिया जाए। ये जो कम से कम एक पर्टिकुलर 50 मीटर का स्ट्रेच है जिसमें सबसे ज्यादा खतरा है वो लोग निकल जाए, एक बार उसका इम्पैक्ट देखा जाए नुकसान कितना होता है, और फिर आगे चरण दर चरण जहां जहां ये दरारें आगे बढ़ती हैं उन सारे इलाकों को खाली कराया जाए। अर्पिता बिल्कुल आशुतोष, ये तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, लोगों का प्रदर्शन भी आप दिखा रहे हैं, आप रहिएगा और नजर बनाए रखिए। जोशीमठ में प्रशासन को स्थानीय लोगों के जबरदस्त आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। जिन दो होटल्स को गिराने की तैयारी हो रही है उन दोनों होटल्स के मालिकों का कहना है कि उन्हें पहले से कोई नोटिस नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि उन्होंने नियम और कानून के तहत ही निर्माण करवाए लेकिन कोई नोटिस नहीं मिला, मुआवजे की बात नहीं की गई, और जब तक ये नहीं होता है तब तक उन होटल्स को वो गिराने नहीं देंगे। मुझे खींचने की कोशिश की, मारपीट की कोशिश की गई सरकार की तरफ से। सर मैं तो एक जनजाति का व्यक्ति हूँ, मेरे साथ ऐसी ज्यादती की जा रही है, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, मेरा तो अपना हो जाएगा, कोई बात नहीं मैं चले जाऊँ, मेरा तो बेटा फ्रांस में रहता मैं निकल जाऊँगा, लेकिन मैं इसलिए बैठा हूँ कि मेरे जो इस जोशीमठ के लोग हैं जितने प्रभावित लोग हैं, आज मैंने मैदान छोड़ के चले गया, जो आज मेरे साथ करेंगे कल लोग ये लोग सरकार जो है कि सबके साथ करेगी। अपनी मांग पूरी करने के लिए बैठक है, जैसे बद्रीनाथ की तर्ज पे वैसी वन टाइम सेटल कर दो, पूरी रात ठंड में यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी बर्फ भी पड़ेगी तभी बैठे रहेंगे हम, हटेंगे नहीं ऐसे, डटे रहेंगे हम जब तक मांग पूरी नहीं हुई। क्या मांग सर? यही मांग है कि जैसे बद्रीनाथ तर्ज पे विस्थापन किया है सेटलमेंट वैसे यहाँ भी कर दो, होटल हम छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे।